जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो किसी महिला ने शुरू करी है और आज की डेट में महिला ही जो है वो बहुत टॉप पोजीशंस पे भी आपको कंपनीज में मिल जाएंगी, जैसे कि सीईओ या एमडी। और आज हमारे बीच में हमारे जो गेस्ट है वो भी एक ऐसी ही पोजीशन पे है, एक ऐसी ही बढ़िया कंपनी की। आज हमारे बीच में ऐसी एक महिला है जिनका नाम है देवीना मेहरा। देवीना जी इन्वेस्टिंग और रिसर्च की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड क्रेडिबल नाम है, जिनके पास 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। देवीना जी फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर है, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। फर्स्ट ग्लोबल एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और रिसर्च जैसी सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ग्लोबल ना सिर्फ एक लीडिंग सिक्योरिटी एंड रिसर्च फर्म है, बल्कि ये एशिया के वन ऑफ फर्स्ट कंपनीज में से है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स दैट इज NASDAQ की मेंबर हो। आज के दिन कंपनी ग्लोबल रिसर्च कंपनी बन गई है जो अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसी डाइवर्स ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट करती है। देवीना जी के आर्टिकल सिर्फ इंडियन मीडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के काफी पब्लिकेशंस जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNBC, फाइनेंशियल टाइम्स, फोर्ब्स, फॉर्च्यून एक्सेट्रा में भी पब्लिश हुए हैं। देवीना जी HDFC बैंक, Amazon, Apple एक्सेट्रा जैसी कंपनीज में अर्ली इन्वेस्टर रह चुकी हैं। उनके पास गोल्ड मेडल्स का खजाना है। IIMs अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश। IIMA में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था और लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी उन्हें 7 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में भी आपको बहुत मजा आएगा और आपको मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेसन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मार्केट की बात ग्रो के साथ विद देवीना मेहरा मैम। देवीना मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक्स, ग्लैड टू बी हियर एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैम, सबसे जो इस समय बड़ी न्यूज चल रही है वो है SVB, सिलिकॉन वैली बैंक। और बैंक रन जो है, आज की जनरेशन ने शायद फर्स्ट टाइम ये शब्द जो है वो सुना होगा, बैंक रन होने वाला है या बैंक रन हो गया है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है US में? बैंक रन का सुन के एक्चुअली मुझे बचपन की याद आई, क्योंकि पहली बार ये बैंक रन क्या होता है मुझे समझाया था मेरी मदर ने। शायद मैं स्कूल में थी और बता रही थी कि हम लोग सोचते हैं कि हमने बैंक में डिपॉजिट डाला है और जब हम चाहेंगे वो डिपॉजिट हमको मिल जाएगा, और सब डिपॉजिटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन कोई भी बैंक सभी डिपॉजिटर को एक साथ पैसा वापस नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैसा कहीं और लगा हुआ होता है। तो बैंकिंग कॉन्फिडेंस गेम है, अगर कॉन्फिडेंस टूट जाए तो जितना भी स्ट्रांग बैंक हो वो नहीं खड़ा रह सकता है। तो SVB के केस में ऑफकोर्स बैंक रन हुआ, लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे? एक कारण तो ये था कि हम लोग सोचते हैं बैंकिंग क्राइसिस या बैंक में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बैंक ने गलत जगह पर लोन दे दिया या क्रेडिट दे दिया और वो NPA हो गया, जैसे हम लोग यहाँ के भाषा में बोले तो। लेकिन इस केस में क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट द प्रॉब्लम वॉज दैट SVB गेव आउट टू लिटिल क्रेडिट। It put most of what the deposits that it raised into investments. So, you know, all banks buy investments, like in India also, banks buy government bonds and so on. So, and the other problem which happened was because for the last few years, interest rates in US were near zero. तो अब जब SVB को इन्वेस्ट करना था तो थोड़ा भी अगर पैसा उनको कमाना था, अगर 2-2.5-3% भी कमाना था तो उनको थोड़ा लॉन्ग टेन्योर वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो उन्होंने वो किया, तो एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच इसे कहते हैं कि आपको डिपॉजिट तो डिमांड डिपॉजिट है, जब किसी ने मांगा आपको रिटर्न करना है, दूसरी साइड पे आपके एसेट्स ऐसे हैं जहां आपका पैसा लंबे समय तक फंसा हुआ है। और खासकर उन्होंने काफी कुछ MBS बोलते हैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीदी, जो कि ट्रेजरीज की तरह उतना लिक्विड मार्केट भी नहीं है कि आप जब चाहें उसमें से निकल सके। तो ये सब मतलब थोड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच सब बैंक्स में होता है, लेकिन उस केस में कुछ ज्यादा हो गया, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और बैंक का साइज ऐसा था कि उसमें रेगुलेशन भी, जो बड़े बैंकों में जैसे सिटी ग्रुप है या JP Morgan है, दे आर मोर रेगुलेटेड। दिस वॉज बिलो द एसेट कट ऑफ फॉर हायर लेवल ऑफ रेगुलेशन, सेइंग दैट दिस विल नॉट पोज अ सिस्टमिक रिस्क। बट जैसे आपने बेल आउट का नाम लिया, तो बेल आउट मतलब सिस्टमिक रिस्क तो हो ही गया, पर उसके पहले तक ये था कि इसको उतना रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें सिस्टमिक रिस्क नहीं आएगा। और जो एक मेन चीज थी कि उनका इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, डिपॉजिट्स उनके
मोस्टली सिलिकॉन वैली बैंक नाम ही है, तो वो डिपॉजिट सब आए थे वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनी से और दूसरा क्रिप्टो कंपनी से भी, तो इस तरह की कंपनी से। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े और पिछले साल भर में इंटरेस्ट रेट यूएस में फेड रेट 4.5% बढ़ गया है, जो कि बहुत बड़ा मूव है। एक साल में इतना मूव लास्ट टाइम हुआ था 1980 और 81 में, जब एसवीबी आया ही नहीं था एग्जिस्टेंस में। एसवीबी की स्थापना हुई है 1983 में, तो उनकी लाइफ में ये पहला ऐसा इंसिडेंट था। ऑफकोर्स यू नो थोड़ा और स्मार्ट मैनेजमेंट होती तो ये चीज को इतना भी मुश्किल नहीं था देखना, लेकिन वो उसमें फंसे ही रह गए, एक्शन नहीं ले पाए। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट से उनको दो तरह से प्रॉब्लम हुई। एक तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू घटती है, और जितना लॉन्ग टेन्योर का होता है उतना ज्यादा घटती है। हम 1991 की बात करते हैं, वो एक ऐसा एरा था जब मैं बोलूंगा कि इंडिया की इकोनॉमिक जो है वो किस्मत बदली। एलपीजी, इसे हम बोलते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया। और उसके बाद 93 एक स्टॉक मार्केट के लिए मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ा इवेंट रहा, वो था कि एफआईआईज को जो है वो अलाउ कर दिया गया कि अब वो जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। तो ये आपके लिए भी और इंडिया के लिए भी एक बड़ा अच्छा, मैं बोलूंगा कि ऐसी एक टर्न अराउंड स्टेज रही। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा उस समय क्या चल रहा था। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि उस समय क्या क्या चल रहा था मार्केट के अंदर और इस न्यूज को कैसे लिया गया था। हाँ, आपकी बात ठीक है कि बड़ा टर्निंग पॉइंट था स्टॉक मार्केट के लिए और मेरी लाइफ के लिए भी। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका 1993 का बजट था जिसमें उन्होंने मार्केट को ओपन किया था फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट टाइम दे वर कॉल्ड एफआईआईज। सो एंड सो उसके रेगुलेशन आए थे, एंड दिस वॉज एज यू आर सेइंग द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1991। सो 1991 में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन अ सेंस ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स, एंड सो दिस वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। एंड फॉर मी इट वॉज अ पर्सनल टर्निंग पॉइंट, बिकॉज आई सेड नाउ द मार्केट विल प्रोफेशनलाइज, बिकॉज आपके जो व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं उनको शायद ये नहीं मालूम हो कि उसके पहले इक्विटी रिसर्च या सिक्योरिटीज रिसर्च नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडियन मार्केट में। तो ऐसा कोई जॉब ही नहीं था कि आप बोल रहे हैं कि मैं रिसर्च एनालिस्ट बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, या फॉर दैट मैटर कंपनीज ने ऐसा कोई इन्वेस्टर रिलेशंस डिपार्टमेंट या पर्सन नाम की चीज नहीं होती थी। तो जब ये अनाउंस हुआ मैंने कहा अब मार्केट प्रोफेशनलाइज हुई। आई मीन यूड बी सरप्राइज कि इवन एट IIM अहमदाबाद व्हेन आई डिड माय MBA देयर वाज नॉट लेट अलोन अ कोर्स देयर वाज नो मॉड्यूल ऑन सिक्योरिटीज रिसर्च बिकॉज आई सेड दैट प्रोफेशन डिड नॉट एग्जिस्ट। सो 93 में आई सेड नाउ मार्केट विल प्रोफेशनलाइज, अब वो पुराने स्टाइल के ब्रोकर से काम नहीं चलेगा, FIIs को थोड़ा प्रोफेशनल रिसर्च चाहिए होगा। And that is when I resigned from Citibank. I was earlier an investment banker, and then I was a credit analyst. So I was anyway analyzing companies, but from the credit perspective. So I had also applied for a Bombay Stock Exchange card. In 92, they had opened the market, the membership for, I still remember, 71 professional members. And I had applied for that, but even before I got that membership I got at the end of 93, but I resigned in earlier, a few months before that itself, ki ab market professionalize hogi, ab research ka kuch value hoga. So, and it was exciting times because as I told you, companies had never heard of this either. So you would call up companies and say, I want to come and meet you, and they would say, why and what are you doing? And you can read our annual report, you can come for our AGM. No, the more conservative companies simply refused to meet. So it was like the Wild West. So I went all around the country meeting sometimes the finance people or the CEO, sometimes the company would refuse to meet, especially the South Indian conservative groups. And I would just land up at the factory gate and see कोई तो मिल लेगा, कुछ तो समझ में आएगा। एंड एट टाइम्स दैट वाज एक्चुअली इवन बेटर बिकॉज़ द फाइनेंस पीपल आर मोर गार्डेड, वो दैट
यू नो एट द फैक्ट्री लेवल पीपल विल टेल यू कि माल बिक रहा है कि नहीं, यू नो सप्लायर को पैसे दे रहे हैं कि नहीं. सो इट वाज फन. यू नो रिसर्च इन द 90s वाज ग्रेट फन. आईड गो टू दिल्ली एंड आईड स्टार्ट फ्रॉम लाइक द मदर्स एंड सुमी इन नोएडा, यू नो मीट maybe sometimes Bharti, let's say in Delhi, then go on to Gurgaon. At that time, again, there was none of these glitzy buildings or anything. It was like long stretches, and then you would have a few factories like Carrier Aircon, and then go on to Dharuhera and meet Hero Honda. Or I liked really going and seeing a lot of plants also. So I saw just steel plants, aluminium, cement, and some of them at fairly remote locations. So that was the fun part of research. As far as the market is concerned, the interesting thing is, you know, even now, अभी भी लोग बोलते हैं कि FII का पैसा आएगा या नहीं, या इतना पैसा आया या नहीं आया, और they think it has something to do with how the market moves. But we tracked it in the beginning because naturally this was a fresh new slew of money from a new source that did not exist. So all these billions of dollars came in, and yet from 1994, which is when the FII money came in, to 2003, was a 9-year period where the market gave zero return. I mean, it went up and down, but I mean, net move for 9 years was zero. So, and even in the beginning, when we used to track it month on month, we found there was no correlation between the money coming in and the market movement. If I shuru mein to see, you're starting from base zero, so it was always a net inflow. So, 2-3 saal, every month, obviously, there was a net inflow. And I remember the first month when it was negative, it was in November, I think in 96 or 97, I don't remember, when the FII flows became negative. And that month, the market went up. Aur us samay to, you know, domestic mutual fund industry bhi nahi thi still. So, I really don't monitor FII flows anymore from the market point of view, from an FX reserves point of view, it's a different thing. So that was the thing. And you know, I learned research on the job, because sometimes I remember even asking some of these large institutional clients in the US or UK for recommendations or books to read. Cash flow samajhne ke liye kya kare, you know, DCF analysis ke liye kaun si achhi kitab hai. So it was like a whole learning experience. राइट, ग्रेट मैम. वापस चलते हैं एक बार एसवीबी वाले क्वेश्चन पे. तो अभी क्या लग रहा है आपको, इस पूरे इवेंट का इम्पैक्ट हमारी ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे, स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक मार्केट पे, और उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पे? वैसे तो जो पिक्चर अभी निकल के आई है, जो भी हमें सामने दिखा है, आई थिंक वो जो है एब्जॉर्ब कर लिया है मार्केट ने उसको, इफेक्ट को. या आपको लगता है कि अभी और इसका इम्पैक्ट जो है आने वाला है? अभी हम लोगों ने आज ही एक न्यूज़ और सुनी है, क्रेडिट स्विस भी जो है वो डाउन जा रहा है, और उसके साथ भी परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है. तो इन सारे इवेंट्स का इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, या इनको फैक्टर इन कर चुकी है मार्केट अभी? देखिए, जहां तक एसवीबी का सवाल है, आपके दर्शकों को शायद ये मालूम हो या नहीं मालूम हो कि यूएस में पहले ये रेगुलेशन था कि जितने भी डिपॉजिट्स $250,000 से कम है, $2.5 लाख से कम है, वो सब इंश्योर्ड हैं. सो अगर आपका बैंक डूब भी जाता है तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा. अब जो रेगुलेटर्स ने किया बोला, और मतलब वीकेंड पर ही कर डाला कि मंडे से चाहे, एंड एसवीबी के पास मोस्टली लार्ज डिपॉजिट्स थे, ऐसा हाउस होल्ड डिपॉजिट्स कम थे. ये सब जैसा मैंने बोला वीसी फंडेड कंपनीज के, जैसे उन्होंने फंड रेज किया और वो पैसा है, तो वो लार्ज चंकी डिपॉजिट्स थे, उन सबको भी बोला एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, आप कल से पैसा निकाल सकते हैं. तो अभी के लिए तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. अब लॉन्गर टर्म वेदर इट क्रिएट्स अ मॉरल हैजार्ड, जिसे बोलते हैं, कि मॉरल हैजार्ड का मतलब होता है कि आप ज्यादा रिस्क लेंगे इस फीलिंग से कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो बिग ब्रदर बैठा है मुझे बेल आउट करने के लिए. तो वो अगर आप उस तरह, वो मॉरल हैजार्ड होता है. तो इस केस में शेयर होल्डर्स को तो हिट आएगा, तो शेयर होल्डर्स के लिए तो आप बोलेंगे ये मॉरल हैजार्ड नहीं होगा. लेकिन लॉन्गर टर्म में दो कैटेगरी के लिए मॉरल हैजार्ड हो सकता है. एक तो है कि डिपॉजिटर, जो लार्ज डिपॉजिटर को भी देखना नहीं है कि बैंक अच्छा है कि नहीं, आप जहां आपको ज्यादा डिपॉजिट रेट मिल रहा है आप डाल दीजिए. और दूसरा बैंक मैनेजमेंट, कि आप रिस्क लेंगे कि हमको तो इंसेंटिव बोनस सब मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम आई तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है वो,
अभी तो SVB के भी जो इम्प्लॉयज हैं सबको बोनस वोनस मिल गया है, तो अब देखते हैं बाद में अगर वो कुछ आगे बढ़ता है और उनको वापस करना पड़ता है तो वो अलग चीज है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉब्लम हैज बीन कंटेन्ड। क्रेडिट स्विस का जहां तक सवाल है, मतलब मैंने थोड़ा एक फ्लिपेंट सा ट्वीट किया था 2 दिन पहले कि अब पिछले कई दशकों में मैं कहूंगी कोई ऐसी क्राइसिस नहीं आई जिसमें क्रेडिट स्विस का नाम नहीं आया हो। तो राइट फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग टू गोइंग अगेंस्ट सैंक्शंस टू बीइंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, दे आर ऑलवेज देयर, बट दे आर ऑल्सो अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। सो अगेन द स्विस अथॉरिटीज हैव सेड दैट वी विल प्रोवाइड लिक्विडिटी एज नीडेड। तो वो अभी मतलब फिलहाल के लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं है। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ये क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए भी रेगुलेटर्स के लिए थोड़ा आसान है कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कि वो जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो चीज जीरो हो रही है। इट इज जस्ट दैट कि वो इंटरेस्ट रेट के कारण और लिक्विडिटी नहीं होने के कारण आपका वो इन्वेस्टमेंट बुक पे लॉस है, तो वो एक चीज है। लेकिन मार्केट के लिए एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आता है, बिकॉज इसमें आप ये अब जो जिस कारण से मार्केट को कुछ हद तक अच्छा लग रहा है वो ये कि जो फेड को रेट्स बढ़ाते जाना था और जो टाइटनिंग करनी थी शायद अब उसमें कुछ हद तक रोक आ जाए, या उतना इंटरेस्ट रेट उतना नहीं बढ़े जितना पहले बढ़ने वाला था। तो कई सारे तो वॉल स्ट्रीट फर्म्स अब ये भी कर रहे हैं कि अब फेड इंक्रीज ही नहीं करेगा रेट। ये मेरा व्यू नहीं है, मैं तो मेरा जो बेस केस है कि मार्च में फेड मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट मतलब कि 0.25% बढ़ाएगा रेट, और अभी इन्फ्लेशन टेम हो गया ऐसा नहीं है। बिकॉज इफ यू लुक एट इन्फ्लेशन वी ओनली गॉट द लो हैंगिंग फ्रूट, जो चीज आसानी से जहां इन्फ्लेशन कम हो सकती थी वहां वहां कम हो गई है, पर अभी भी इन्फ्लेशन बहुत जगह पर स्टिकी है। दूसरा US में एटलीस्ट लेबर मार्केट अभी भी बहुत टाइट है, जॉब्स ज्यादा हैं लोग कम हैं, तो फेड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा अब इस स्टेज पे ये सिग्नल करना कि हम इन्फ्लेशन को एकदम भूल ही गए हैं और अब हम लोग रेट बढ़ाना अभी बंद कर देंगे, वो थोड़ा मुश्किल है काम। सो वो कहाँ बैलेंस बैठता है। आज ECB ने तो बढ़ा ही डाला, बोला जो भी है इन्फ्लेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग एंड दे हैव इंक्रीज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टुडे। सो अभी मतलब मार्केट्स माइट बी लाइक मूविंग टू मच टू दी अदर साइड। आजकल तो बॉन्ड मार्केट एक दिन में जैसे मूव करती है जैसे इक्विटी मार्केट मूव करती है। यील्ड्स का इतना बड़ा मूव तो इवन 87 क्राइसिस में नहीं हुआ था जो ब्लैक मंडे कहलाता है। आपका कहना यह है कि मार्केट अभी थोड़ी चौपी रह सकती है, इंडियन मार्केट से भी इसका इम्पैक्ट हमें दिखता रहेगा। इंडियन मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका उतना नहीं है, मतलब इंडियन मार्केट तो इवन इतनी बड़ी जो क्राइसिस थी 2008-09 की उसमें भी इंडियन मार्केट में कॉन्टेजियन जैसा कुछ नहीं हुआ था। वो अलग है कि बिकॉज ऑफ दैट द वर्ल्ड ग्रोथ स्लोड डाउन एंड देयरफॉर यू नो योर प्रोस्पेक्ट्स चेंज, दैट वॉज डिफरेंट, बट डायरेक्ट No, that you did not get caught in that financial contagion. So that I don't think is the issue. And so only relevant part from Indian market would be what the Fed stance is, and therefore, you know, second order, how much of a recession it causes in the developed world. राइट मैम, एक बिल्कुल इससे हटके क्वेश्चन है। आजकल बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं कि हम इंडिया में बैठे बैठे US मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड की मदद से हो या डायरेक्ट स्टॉक बाइंग हो या और भी पैसिव इन्वेस्टिंग यानी कि वहाँ के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो स्टॉक मार्केट का US में हाल है, क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को इस समय इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि जो जनरल प्रोपोजिशन होती है वो यही होती है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। तो अभी क्या एक फियर था US स्टॉक मार्केट में? अगर मैं देखता हूँ डाउ जोन्स वगैरह काफी समय नीचे चल रहे थे, तो क्या ये सही समय रहेगा एक एंट्री पॉइंट बनाने का म्यूचुअल फंड या फिर एक्टिव इन्वेस्टिंग के थ्रू US स्टॉक मार्केट में? ओके, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने बोला फियर वाला बात, वो मतलब किसी भी मार्केट में ये लागू होता है कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मतलब जितनी भी एकेडमिक स्टडीज हुई हैं US में ही नहीं, मतलब पोर्चुगल ब्राजील किसी भी कंट्री में, वो यही दिखाता है कि सेंटिमेंट जब बहुत बॉयंट होता है तो उसके बाद के रिटर्न्स खराब होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, और जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है तो जब अच्छा होता है तब उसके बाद के रिटर्न्स कम होते हैं, और जब बहुत बुरा होता है तब उसके बाद के रिटर्न्स अच्छे होते हैं। तो इसीलिए जब 2021 में सारे नैसडैक फंड्स और ETFs इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रहे थे उस समय मैंने कहा था कि दिस इज रीसेंसी बायस, कि पिछले 2-3 साल नैसडैक बहुत अच्छा किया है तो आप सोचते हैं वो हमेशा अच्छा करेगा।
द मेन थिंग इन एनी इन्वेस्टिंग इज दैट नो थीम रन्स फॉर एवर, नो एसेट क्लास, नो ज्योग्राफी, नो सेक्टर. ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए. तो इसीलिए इसलिए मैं आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग, कि आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए. एक तो मैं ये स्टैटिस्टिक आपको दे दूं कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तब यूएस डॉलर 12 रुपया था, अभी 82-83 रुपीज है. तो 85% डेप्रिसिएशन यू हैव सीन इन द कोर्स ऑफ लेस देन अ करियर. सो आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सोचते हैं तो देर इज नो रीजन टू बी 100% और 90% और 80% इन इंडिया. इंडिया इज ओनली 3-4% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप इन इक्विटी. सो देर इज नो रीजन टू हैव दैट काइंड ऑफ होम कंट्री बायस. एवरी कंट्री देर इज अ होम कंट्री बायस, बट इन इंडिया इट इज पर्टिक्युलरली स्क्यूड. मे बी बिकॉज वी डिडंट हैव कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, सो इट नेवर नो व्हाइल ग्रोइंग अप इट वॉज नॉट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बाहर इन्वेस्ट किया जा सकता है. पर अब तो liberalize in remittance scheme is very generous, $250,000 per person per year. That's like family of four, $1 million a year you can invest abroad. But investing globally is not the same as investing in the US, which is the point. As I said, people thought ki ek Nasdaq ETF le liya ya raat ko utke Robinhood pe trading karna shuru kar diya, so that is the way to globalize. That's not the way to globalize, because as I said, no theme runs forever. So people forget कि Nasdaq gave zero return, मतलब वो जो tech crash हुआ था 2000 वाला, उसके बाद Nasdaq to get back to that level took 15 years, 2015 हो गया था before it crossed those levels. So and I also spoke about this couple of months ago at a conference, कि 2003 to 2007 if you see, that was a time when emerging markets did very well. So in that period, emerging market index went up 3.5 times, India went up 6-7 times, Brazil went up 10 times. And you started hearing all this thing, ki, you know, US is yesterday's story, US is over, now it is the century of China and India, and BRICS ka bahut bol wala tha un dino. Aur phir jab markets turned and US again outperformed for 12 years, tab all those stories were forgotten. So this January I was speaking at a conference and I said, you'll very soon start hearing those stories again, and now you see that coming. So matlab US is not being globalized, that you have to, so there has to be always a tactical dynamic reallocation that is important, which is why it was also a cause for me personally that Indian investors should have access to a product like that, which is truly diversified and truly multi-asset. And that is why we launched a product which starts as low as $10,000, just about 8 lakh rupees. Whereas normally that kind of product doesn't start below $1 million. So because we think, as I said, that, you know, at times something else does well. Like if you look at last 5 months, Europe has done extraordinarily well, except for the last week after this Credit Suisse problem. So that the leadership always moves. It is the markets don't make it that easy for you. That in India also, it is the same thing. As a sectorally, I say, like, 2 saal pehle FMCG ka bahut bolbala tha. To 2.5 saal pehle to. Those, just because even if it's a steady business doesn't mean that that's going to give you the returns forever. Themes always change. Right. I mean, in changing themes में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मतलब अभी मैं आपसे नैसडेक पे भी एक क्वेश्चन पूछने वाला था, क्योंकि आपने इतना अच्छा फैक्ट बताया कि आपने बोला कि 2000 में जब वो हमारे पास टेक बबल बर्स्ट हुआ था, उसके बाद से 2015 तक आपने बताया कि नैसडेक ने रिटर्न नहीं दिए, बट उसके बाद का डेटा क्या बोलता है? 2015 के बाद रिटर्न्स दिए या नहीं दिए? और इसके साथ दैट इज द थिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मतलब जब 2021 में ये सारे नैसडेक ईटीएफ्स आ रहे थे, उस समय 3 साल का डेटा बहुत ही अच्छा था. और इसलिए आप देखिए ना, इवन लास्ट ईयर आप देखो, जो एक साल बॉटम की, यू नो, देर आर अबाउट 42 मेजर कंट्री इंडसीज. सो इन 2021 द टॉप वंस वर श्रीलंका एंड वियतनाम, विच द नेक्स्ट ईयर वर द वेरी बॉटम. और टर्की जो नंबर 42 पे था वो नंबर 1 हो गया 2022 में. एंड नैसडैक वॉज ऑल्सो क्लोज टू द बॉटम.
But then this year Nasdaq is doing much better. So actually that's how it goes. So jo bottom wala hota hai, we say the world is like a giant wheel. So it turns. So you have to move into the car which is going up and get out of what is going down. So whether it is commodities, whether it is geographies and within a country sectors. So that's the Do you think retail investors के बस की बात है ये ऐसे उस व्हील के उसी पोर्शन पे रहना जो ऊपर जा रहा है और उसको उस समय छोड़ना जब वो नीचे जा रहा है? वो मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको चाहिए और समझना भी मुश्किल काम है। सच बात तो ये है कि मतलब ये समझना भी मुश्किल काम है कि कहाँ क्या हो रहा है कहीं पर। तो इसीलिए मैंने कहा हम लोगों ने इसीलिए ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया कि आपको मिल सके कोई जो इस चीज को समझता है, बिकॉज वी हैव बीन ग्लोबल फॉर ऑलमोस्ट 25 इयर्स नाउ। सो एंड नॉट जस्ट यूएस बट यू नो वी बीन फॉलोइंग चाइनीज कंपनीज, जापानीज कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज सिंस देन। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज एंड कंपनीज देयर आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, द लाइफ साइकल्स आर मच शॉर्टर। सो यू नो दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन इन टू अकाउंट। यू नो व्हेन वी स्टार्टेड कवरिंग यूएस अराउंड 2000, at that time tech measurement companies like Dell and IBM and Motorola and Cisco was very few people would remember, was once upon a time the highest market cap company in the world. So so all those companies are around, but they are no longer of great importance. That's not what you think when you think tech. Only Microsoft right. was a tech major then, and it continues to be a tech major now, but that's about it. Otherwise, the whole basket has changed. Right. तो मतलब अगर US मार्केट में जाना है तो उसमें बहुत सोच समझ के जाना है, ऐसा नहीं कि बस वो नीचे आई हुई है तो जल्दी से बाय कर लो और कुछ ऐसा, मतलब एक उसको जनरलाइज नहीं करना है, राइट? हाँ, और दूसरी बात है US is not the globe. I am again underlining कि US आपने इंडिया खाली इंडिया में होना रिस्की है, लेकिन इंडिया और US ले लिया तो फिर भी वो यू नो जो भी 200 देशों में दो ही देश है, तो यू नो उससे आपका इट्स लिटिल बेटर देन बीइंग ओनली इन इंडिया बट नॉट अ होल लॉट। राइट मैम, अब जरा बात करते हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की। तो रिसेंटली आपने एक ट्वीट में बताया था कि इन्फ्लुएंसर्स की जो नॉलेज है मनी और इन्वेस्टिंग पे वो बहुत लिमिटेड है। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो इतने सारे हम चैनल्स वगैरह बना के चला रहे होते हैं और बहुत सारे ट्विटर पे भी आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, तो क्या ये इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए डेंजरस है? मेरे ख्याल से तो डेंजरस है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा तो मालूम नहीं है इन द सेंस कि नॉट दैट आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ द वीडियोस और एनीथिंग, बिकॉज वैसे भी मैं वीडियो जरा कम ही देखती हूँ, लंबे वीडियोस और ये सब तो देखने का बहुत मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, जैसे स्पेशली क्रिप्टो बूम के दौरान तो यहाँ वहाँ हर जगह वो, बिकॉज दे यूज टू बी प्रमोटेड थिंग्स, यू कुड सी इट एवरीवेयर दैट पीपल हु वर टॉकिंग अबाउट इवन फैशन एंड ब्यूटी सडनली talking about buying crypto and crypto exchanges and things like that, and so that was like quite a shocker. And you know, many places where people are paid, they don't even disclose that they are being paid. So this was all part of a mis-selling. Of course, see, they are not the only people mis-selling. There is a whole lot of mis-selling in the financial services industry also, which pains me, because to me, taking somebody's money is very serious responsibility. So this is not something you should be doing lightly. I mean, I'll tell you, like PMS, for example, we launched approximately 3 years ago, almost exactly 3 years ago. But we've had the PMS license, first time we got it was, I think, 2000 or 2001. So we didn't launch a product for 20 years because... You know, and within the company also people used to say that we have the brand and everything, why don't we, and we have the license, so why are we not launching? But say, till we have a system where there is some consistency, some replicability, some, I don't want to take people's money, because your own money you can do what you want. The 10 stocks kharida usme do itna chale ki aapke baki ke paap dhul gaye, but kisi aur ka paisa leke ye kaam nahi karna. To ये इन्फ्लुएंसर्स का मतलब कुछ हद तक ये सब रहा, और आई एम सेइंग मेन स्ट्रीम फाइनेंस ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ मिस सेलिंग, फॉर एग्जाम्पल यू नो सेलिंग इंश्योरेंस एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विच इज नॉर्मली वेरी बैड फॉर द इन्वेस्टर, सो थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, एंड पीपल शुड बी, आई मीन बायर बीवेयर, बी यू नो बी
always think that somebody who's telling you all this obviously is getting paid to do all this. And I also say that as an investor, or never go from one extreme of the risk spectrum to the other. So ये जब क्रिप्टो बूम चला था, फॉर एग्जाम्पल, लोग जो फिक्स डिपॉजिट में थे, उन्होंने जिन्होंने कभी इक्विटी तक नहीं खरीदी, सडनली दे वेंट इन टू, स्पेशली लॉकडाउन के बाद, ट्रेडिंग क्रिप्टो, ट्रेडिंग ऑप्शंस, ट्रेडिंग ऑन रॉबिनहुड. तो इस तरह के काम मत करिए, आपका मतलब खून पसीने की कमाई का कमाया हुआ पैसा है, उसको इस तरह से मत करिए, सोच समझ के करिए. ग्रेट मैम, अभी जैसे थीम्स की बात चल रही थी, तो आपने बोला कि हर थीम जो है वो हर समय ऊपर नहीं रहती, राइट, हर ज्योग्राफी हर समय ऊपर नहीं रहती. तो मैं जानना चाहूंगा आपको यहाँ से क्या लग रहा है, कौन सी थीम्स अब ऊपर आने वाली हैं, किन थीम्स का जो है वो नंबर आने वाला है, किन सेक्टर्स पे आप इस समय बुलिश हैं? ओके, सो हम लोग हर चीज को एक बार जीरो बेस से हर क्वार्टर, हर तिमाही पर देखते हैं. ये जो तो इट इज रियली दैट इफ आई हैड कैश टुडे वेयर विल आई इन्वेस्ट, तो ये क्वेश्चन रहता है. हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास अभी क्या क्या है, उस चीज को भूलना पड़ता है क्योंकि वो एक बायस करने वाली चीज होती है. ये अलग बात है कि फ्रॉम वन क्वार्टर टू द अदर नॉर्मली 80-90% ऑफ द स्टॉक्स और सिक्योरिटीज रिमेन द सेम, बट वी रियली लुक एट इट अफ्रेश. सो इफ आई लुक एट ग्लोबली, यूरोप वॉज डूइंग quite well and emerging markets were also doing reasonably well. So, but Europe for some time, it has got a little derailed because of this banking problem. And so, I mean, this whether emerging markets now outperforming the US is going to be a multi-year theme, we don't know. I mean, right now it's looking little better and there's been a very long period when they have underperformed. But we are still watching to see how that pans out in terms of markets. We like currently, we like Mexico, Taiwan, also, as I said, some of this Canada also we liked, but not so much now. And for the time being, US is also doing fine. So you see, again, let me also give you some context, which is going back to 2022. Now, that year was a historically bad year. Even if you look at a 100-year or 200-year perspective, it was a very bad year for markets, for all asset classes. So if you look at the bond market, for instance, records go back 230 years, it was the worst year ever. So, I mean, that also gives you an idea why something like SVB collapse happened, because it was a completely outlier year. If you look at both bonds and stocks going down, it has happened in the last 100 years. It happened once in 1931 during the Great Depression, once in 1941 during the World War, once in 1969, and once in 2022. If we looked at a grid of all asset classes, all geographies, everything in the red, every regional index in equities in the red, every category of bond across the world, I'm talking across the world, in the red. And only thing which was in the green was even not all commodities, because industrial metals, precious metals, sab mein matlab upar gaya niche aaya, so net displacement was nothing or slightly negative. Only thing which was positive was energy, oil and gas, and a few agri commodities. So that, once you have such an outlier year, the probability is that next year will be an up year. So, yeah, of course, improbable is not impossible, but the probability is high that 2023 would be a better year, because 2022 was such a disastrous year without there being anything that was that dislocating. So that was the background. So as I told you, these are the sectors that, or the geographies we like. If I look at sectors within India, the sector we would be most overweight still would be capital goods and industrial machinery, which we have liked now for a year and a half. So October 2021 se apna bada call tha ye. But many of those stocks have now gone up 2-3 times. We have booked some profit. So ab usme bahut zyada juice bacha hai ki nahi keh nahi sakte, but still in the outperformance mode. But
you know, a lot of the move has happened. Because that was a dog sector from 2009 onwards. So, 12-13 saal, it compounded some 2% or something, as against even the market, which also didn't have a great run. Market compounded some 9% and this compounded 2%. So, once it came out of that and the fundamentals also were improving, and because it went through so much pain, the companies had cut costs, so the margins were better. So, wo sector achha laga tha. But that story is, a lot of it has played out. Banking, we are normally very skeptical, precisely because ki banking mein, you know, periodically koi na koi crisis aati hai. So, if it was not such a high weight in the index, I would have probably not even looked at it, but it's the number one weight in the index. So, when we started our PMS for about more than 2 years, hamara banking weight was negligible, and which was a big risk given the weight in the index. But from middle of 2022, we went to market weight in banks, which has now become a little overweight with the price move. So, but as I said, I'm a very investor in banks. What we added in our last rebalance a bit more was pharma, little bit of IT also. With IT also, I think maybe the bad phase is over now. Especially mid-cap IT. So, those would be things which we've added. We don't take very outsized bets. So, you know, we believe in a very diversified portfolio, both in terms of number of stocks, as well as meaning number of stocks in our PMS is typically around 45 to 60. I mean, we call it India Super 50, so somewhere around 50 at least. So, and that is what gives, since we launched, for example, now, as I said, almost 3 years, now just over 3 years. So, our returns have been the best in the multi-cap universe, but more important than that has been that our risk-adjusted returns have been way above. So, and that comes out of the process that, you know, that lower volatility, lower drawdown comes out of a whole process, and diversification is one leg of that. So we don't, even if I do not believe in this high conviction and you must put all the money in whatever is your high conviction bet. So that balance you have to have, because nobody is right 100% of the time, 90% of the time, or 80% of the time. Ye bhi main aapke darshakon ko kehna chahungi ki Warren Buffett tak says that in the course of nearly 60 years of investing, he says that it is just 10-12 decisions that gave him most of his returns. If you take that out, he has usually underperformed. So, no, and he's a guy who's spending, you know, 100% of his time. He and Charlie Munger spend all day, every day reading, and they're obviously very bright people. But even then, this is the track record of the hundreds, maybe thousands of decisions you take. Only 10-12 worked out to be multi-baggers. So, ये चीज आपके सब लोग को समझनी चाहिए कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो हर मल्टीबैगर को पकड़ लेगा या लेगी या उसके सब पोर्टफोलियो में सारे ही मल्टीबैगर्स होंगे. सो द होल थिंग हैज टू कम आउट ऑफ अ प्रोसेस. सो इवन इफ यू आर डूइंग डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग, बाय एटलीस्ट 25-30 स्टॉक्स एंड नॉट जस्ट इन 2-3 सेक्टर्स, अक्रॉस सेक्टर्स, एंड चूज देम विद सम केयर, विद सम प्रोसेस. And then if you are lucky, 2-3 will be multi-baggers, and and out of those, some will be duds also. So, you know, wo bhi aapko samajhna padega ki usme galtiyan hongi, because that is the nature of the game. So, aap jab invest kar rahe ho, to pehle hi soch lo ki ho sakta hai isme galti ho, because, you know, otherwise the human brain stops you from acknowledging a mistake. And of course, there is loss aversion. So, और हर कोई बता भी रहा होता है ये खरीद लो आप खरीद लो, राइट. एक है सेल साइड, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है. कभी हमने ये आते हुए देखा कोई इन्फ्लुएंसर या कोई भी व्यक्ति ऐसे खुले में बोल रहा है कि इसको बेच दो, अब इस पे प्रॉफिट बुक कर लो अब. तो ये सेलिंग मुझे लगता है कि ज्यादा टफ आर्ट है रादर देन बाइंग, राइट. आई माइट बी रॉन्ग, मेरे बहुत कम एक्सपीरियंस है इस मामले में, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैं. तो पहले तो ये ज्यादा टफ क्या है मैं ये जानना चाहूंगा. दूसरी बात कि सेलिंग की आर्ट क्या है, मतलब सेलिंग के वो
पैरामीटर्स, वो बेंचमार्क, वो कॉर्नरस्टोन्स क्या है जिनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्टॉक को सेल करें, जहां पे ऐसा ना हो कि हम कोई बहुत बड़े जो मल्टीबैगर बनना तो उसे जल्दी सेल कर दें, या ऐसा ना हो कि जो डट बनना था हम उसको रख के रखें अपने पास। तो कैसे ये सेलिंग साइड कैसे सीखी जाए, और कौन सा आपको ज्यादा आसान लगता है, बाइंग या सेलिंग? मैंने एक्चुअली इस पर वीडियो बनाया है, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि हर कोई बाइंग के बारे में बहुत सारे आपको गुरु बताएगा कि ऐसी कंपनी खरीदो, ऐसा स्टॉक खरीदो, पर ये नहीं बताता कि बेचो कब। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, लिखा भी है कि अगर आपको बहुत सिंपल रोल चाहिए, बिकॉज यू नो अगर आप खुद निवेश कर रहे हैं तो आपका आप कोई कहीं नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो साथ में आप ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल रूल चाहिए। तो पहला तो ये रूल है कि जैसे आपने 50 रुपये पर कोई स्टॉक खरीदा तो आप ये मत बोलिए कि वो 100 हो जाएगा या 200 हो जाएगा तो उसको बेच देना है, बिकॉज फिर आपको मल्टीबैगर्स नहीं मिल सकते। सो बट जो कुछ भी आप खरीदो उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। अब हम लोग तो स्टॉप लॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रखते हैं कि स्टॉक का वॉलेटिलिटी कितना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, बट आप अगर सिंपल भी रख लो, लेट अस से 25% रख लिया आपने, तो दिस 25% इज नॉट फ्रॉम योर परचेज प्राइस, इट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है कि आपने 50 पे खरीदा, वो 100 हुआ, बीच में 90 हुआ, आपने बेचा नहीं, फिर वो 150 हुआ, फिर वो आगे पीछे करते हुए 200 हो गया, उसके बाद 200 होने के बाद जब वो 150 हुआ तो फ्रॉम दैट हाई ऑफ 200 इट इज नाउ डाउन 25%। सो इफ इट फॉल्स लाइक दैट देन यू सेल इट। सो फ्रॉम द हाई द स्टॉप लॉस ऑफ लेट अस से जो भी आपने लिया है, मैं आपको मिसाल के तौर पे 25% बोल रही हूँ, तो अगर 25% का लिया है तो वो हाई से जब वो 25% फॉल करेगा तो आप उसमें से निकल जाइए। तो ये एक सिंपल रूल ऑफ थंब है जो इजी टू इम्प्लीमेंट है, पर फिर आप बहस मत करिए मार्केट से कि नहीं इस बार अलग है, ये स्टॉक के लिए मैं थोड़ा और वेट करूंगा या इस तरह की। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं हमारा जो सिस्टम है इट्स अ ह्यूमन प्लस मशीन सिस्टम, कि मशीन कुछ चीजें रेकमेंड करती है उस पर हम लोग ह्यूमन एक्सपर्टीज लगाते हैं कि उसमें से यू नो 70 स्टॉक अगर मशीन ने बोले हैं, या मशीन का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का हमारा एक काफी इलैबोरेट सिस्टम है, तो उसमें से हम लोगों ने लगभग 55 चूज किए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट साइड पर हम बोलते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है ये ना मानने का कि गलती हुई है, कोई लॉजिक देने का कि क्यों इस बार बेचना नहीं चाहिए। तो वो आप स्टॉप लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिए अगर आप खुद से निवेश कर रहे हैं, तो वो एक टिप है कि कैसे बेचना चाहिए। जो चीज ऊपर जा रही है उसको रन करने दीजिए, केवल मतलब कभी ऐसा होता है कि एक स्टॉक इतना बढ़ गया कि वो आपके पोर्टफोलियो में 60-70% हो गया, तब आप थोड़ा सा उसको ट्रिम कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क एक स्टॉक पर अगर नहीं लेना चाहते। पर यही एक प्रक्रिया है जिससे आप अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सुधार सकते हैं। और इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, छोटा सा मतलब 5-7 पेज का आर्टिकल है 1970s का, कॉल्ड द लूजर्स गेम। तो इन्वेस्टिंग जो है वो लूजर्स गेम है, और लाइफ में सारे गेम विनर्स गेम या लूजर्स गेम होते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो मैं थोड़ा सा उस चीज को समझाना चाहूंगी प्लीज। और गेम चेंज होते हैं। मैं बीच में बस ये बोलना चाहूंगा कि आपने 5-7 पेज के आर्टिकल को छोटा बोल दिया, आजकल 30 सेकंड के शॉर्ट्स चलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया है, बट फिर भी अगर आप उसकी हमें क्रिस्पली कुछ बता पाए उसके बारे में तो बहुत अच्छा होगा हमारे ऑडियंस। ये है कि बोलते हैं जैसे कि टेनिस है, तो एट ग्रैंड स्लैम लेवल इट इज अ विनर्स गेम, तो यू नीड टू सर्व वेरी वेल, यू नीड टू रिटर्न वॉलीज, एंड सो ओनली इफ यू प्ले वेरी वेल कैन यू विन। बट अगर आप अपने मोहल्ले में खेल रहे हैं या लोकल क्लब में खेल रहे हैं तो देयर यू शुड जस्ट ट्राई टू कीप द बॉल इन प्ले, और वो सामने वाला इतनी गलतियां करेगा कि आप जीत जाओगे। तो इट इज द आउटकम इज डिटरमाइंड बाय द एक्शंस ऑफ द लूजर। और गेम्स चेंज, जैसे कि इफ यू लुक एट एविएशन फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम द JRD टाटा और चार्ल्स लिंडबर्ग वर फ्लाइंग इट वॉज एन एडवेंचर स्पोर्ट। वो जो JRD टाटा के फेमस कराची लंदन फ्लाइट है उसमें बीच में कोई पार्ट नहीं मिला तो वो पार्ट कोई और लेके उसको इम्प्रोवाइज करके आपने चला लिया प्लेन,
बट नाउ एविएशन इज अ डिफरेंट गेम. इट इज नॉट अ विनर्स गेम, इट्स अ लूजर्स गेम. सो यू ओनली वे टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट इज टू मेक नो मिस्टेक्स, टू गो बाय द चेकलिस्ट. सो व्हेन इवन इन इन्वेस्टिंग at one point it was a winner's game when very few people were in the markets, you know, maybe at your grandparents' time when people did not meet companies, they could not understand financials, Excel sheet naam ki koi cheez nahi thi, to jisko samajh mein aaya, jisne wo number calculate kiye, you could find the winners. But now so many bright people are working on this, which is why, you know, it can never be that all your picks will work out. And therefore, that loser's game also says that, you know, competition is less on the selling side. So get your selling strategy right. That's even more important than getting your buying strategy right. So it's a very interesting thing. So that, you know, the moral of the story is that prevent big volatility, avoid big drawdowns, and we've seen it in action. You know, ek to wo कोविड क्रैश का टाइम था विच वी एंटायरली साइड स्टेप्ड एंड बोथ इन आर इंडियन एंड ग्लोबल प्रोडक्ट्स वी वर डाउन लेस देन 10%. एंड इवन लास्ट ईयर व्हेन द डे द रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, इंडियन मार्केट्स वर डाउन 5%, वी वर डाउन 1.6 इन आर पोर्टफोलियो. सो दैट इज वॉट आई मेंट बाय रिस्क मैनेजमेंट, कि आप वो, एंड दैट इज वॉट अ लूजर्स गेम इज, दैट फर्स्ट फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, दैट मेक श्योर यू डोंट लूज बिग मनी. So that because, you know, once you lose big money, you cannot come back. You know, if you are down, like in the COVID crash, a lot of funds or even individuals were down 35-40%. Once you are down, you know, see, the percentages are not the same going up and down. So if you fall 33%, you need a 50% move to come back. If you fall 50%, you need a 100% move to come back. So it is asymmetric. जैसे हमने शुरुआत में बात करी, आपने शुरुआत में बताया कि 90s के टाइम पे जो है आप कंपनीज विजिट करते थे या फैक्ट्रीज विजिट करते थे, वहाँ पे लोगों से बातचीत करते थे. आज भी आप डेफिनेटली बहुत सारी मैनेजमेंट के साथ जो है वो बातचीत करते होंगे, तो मैनेजमेंट के साथ जो आपकी बातचीत होती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन में कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? और एक रिटेल इन्वेस्टर के पास तो इसका एक्सेस नहीं होता है कि वो बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट से जाके वन ऑन वन बातचीत कर सके, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे हैंडल करें? देखिए, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अब वो रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फर्क ही चला गया है. बिकॉज मैं जब 90s की बात कर रही हूँ तो मैं इंडिया ही नहीं, विदेश में भी वही बात थी कि फंड मैनेजर कंपनी से मिलके कुछ डिफरेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकता था या ले सकती थी. लेकिन अब वो बात नहीं है क्योंकि सब जगह रेगुलेशन आ गया है, मतलब US, यूरोप, इंडिया, सब जगह की कि आप किसी को अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं. तो अब जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल भी होती है कंपनी की, तो वो सारा वो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. तो अब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं आपको 90s की बात बता रही थी. अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर फंड मैनेजर अभी भी वैसे ही फंड मैनेज कर रहे हैं जैसा वो 90s में कर रहे थे, और अब वो चीज काम नहीं करती है. So it is like ki if you are an automobile manufacturer, can you say today ki I will not make electric vehicles or main to apna purana combustion engine hi pe rahunga? You cannot. So that is what is happening in investing. The game has changed, and unless you change, you will be left behind. So why have we moved to an artificial intelligence and machine learning system? Because that is what is required. Because what does a machine help you do? एक तो है कि आप पूरे यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स को देख सकते हो. सो इंटरनेशनली वी लुक एट 25,000 अप्रोक्सीमेटली सिक्योरिटीज. इन इंडिया वी लुक एट एवरी सिक्योरिटी ओवर 1,000 crore मार्केट कैप्स, रफली 700, और उसमें से हम लोग चुनाव करते हैं. यही नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ही नहीं, फॉर ईच कंपनी वी कैन लुक एट लिटरली hundreds और इवन thousands ऑफ फैक्टर्स. So, and which is not humanly possible. Even if I have, you know, 1,000 analysts looking at 25 companies each, they will not look at everything in the same way. And now that I have read more and more about biases and noise and all that, that one of the things with Daniel Kahneman says is that in every field of human endeavor, even things like whether somebody should be given bail or not, or what the insurance premium should be, or everything,
प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एल्गोरिदम विल ऑलवेज आउट परफॉर्म ह्यूमन एक्सपर्ट सो कॉल्ड, बिकॉज द एल्गोरिदम हैज नो बायस एंड इट हैज नो नॉइज, नो रैंडम मूवमेंट. तो अभी वो गेम ही बदल गया है. अब मतलब मुझे मजा आता है कंपनी से मिलने में, बट वो इन्वेस्टिंग के लिए अब वो कोई उसका कोई महत्व नहीं रह गया है. फैक्ट इवन टू गेट वेदर एन अकाउंट्स हैव बीन मैन्युपुलेटेड और नॉट, आई मीन व्हिच आई ऑलवेज थॉट कि सिस्टम तो खाली फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर लेगा ना, व्हाट इफ द अकाउंट्स आर मैन्युपुलेटेड, बट बिकॉज इट्स लुकिंग एट सो मेनी फैक्टर्स टुगेदर आर सिस्टम्स कैच एवरी सिंगल सिचुएशन ऑफ मैन्युपुलेशन. की No, they look at many factors like depreciation policy बार बार तो नहीं change हो रही है, profit और cash flow में लगातार तो नहीं divergence है, every quarter how much is the volatility in numbers, and like for India one of the factors which still is working, in US it's no longer working, is that whether auditor compensation has gone up more than it should. So, वो सब चीजें साथ में मिलती हैं तो पता लगता है कि कहां पर रेड फ्लैग है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रॉम मीटिंग कंपनीज. राइट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब मीटिंग कंपनी से मिलके शायद उतनी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, और आपको जो है कंपनी से मिलके इतनी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, लेकिन डेफिनेटली आप और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन में हेल्प कर सकती है. अब सबके लिए अवेलेबल है. अब मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन का एसिमेट्री था कि फंड मैनेजर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास नहीं है, वो खत्म हो गई. अब इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो आपके लिए भी उतनी ही है जितनी वो फंड मैनेजर के लिए है. मैम, आपने भी डैनियल कैनेमैन की बुक का नाम लिया था, बेसिकली आपने उनके कॉन्सेप्ट का एक जिक्र किया था. उनकी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. एंड इसके अलावा कौन सी बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टर्स को, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जो बिल्कुल अभी अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर रहे हैं, इसके अलावा क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे बुक्स में, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या नॉन इन्वेस्टिंग हो? देखिए, बुक्स में एक तो ऑफ कोर्स थिंकिंग फास्ट एंड स्लो तो काफी समय से मेरी फेवरेट बुक्स में रही है. अब उनकी दूसरी बुक आई है नॉइज, जो मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ. धीरे धीरे इसलिए क्योंकि उनका हर एक चैप्टर इज ऑलमोस्ट एज गुड एज व्हाट इज कवर्ड इन अ फुल बुक एल्सवेयर. बट ऑब्वियसली सी दीज आर not very easy reading, so it has taken me a long time to read it. So somebody starting off, absolutely, I mean, one very popular book has been The Psychology of Money. So very young people or people starting off, it is not really about investing, it is about how to think about money. So I don't agree with 100% of it, but it's a good way to get you thinking about how you should be managing money in your life, and so that's an interesting book. Otherwise, to kitabein to bahut tarah ki padhte hain, you know, like last year is one book was Everything is Obvious Once You Know the Answer, which is like actually common sense misleads you, and that actually concept has been covered in Noise as well, that once something happens you have a nice little story as to why it happened. Actually mein if you were at the starting point, there were many possible paths it could have gone. But jo ho gaya wo aapko lagta hai ki inevitable tha ki yahi hona tha. So, actually all these things are to do with understanding your own thinking and your own mind. So, aapko numbers kaise calculate karne hai, wo sab cheez to phir bhi ek aisi cheez hai, ek boxed in cheez hai jo aap samajh sakte ho. बट अपनी थिंकिंग समझना भी उतना ही जरूरी है. तो ये किताबें हैं, या जैसे इनविजिबल गोरिल्ला करके किताब है, अगेन अबाउट योर ओन थिंकिंग फैलेसीज. तो किताबें तो बहुत है, रिचर्ड थेलर की बुक्स हैं अगेन ऑन सिमिलर थीम्स. बट इफ समबडी स्टार्टिंग ऑफ, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंस फंडामेंटल्स. खाली मतलब लोगों से गप मारने से कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या ले रहा है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. वॉचिंग बिजनेस चैनल्स ऑल डे इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो यू नो, आपको पढ़ना है तो फिर ठीक से अपने को एजुकेट करिए. अगर किताब से नहीं है तो वीडियो से, या जिस चीज से भी, जो भी चीज आपको ज्यादा इजी लगती है चीज समझने के. अब तो आप पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज का घर बैठे. तो पर सोच समझ के करिए निवेश.
राइट, थैंक यू वेरी मच मैम, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड मज़ा आया, काफ़ी बातें आपने ऐसी बताई जो मुझे नहीं पता थी और काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास। आई होप हमारे ऑडियंस भी जो है इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और सीख के जो है अच्छा सोच समझ के जो है निवेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं आज के इस एपिसोड की समरी की। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में और देवीना जी का कहना है कि ये इवेंट अभी के लिए जो है वो कंटेन हो चुका है, यानी कि अभी जो इसका इम्पैक्ट आना था वो रुक जाएगा थोड़े समय के लिए। जब हमने बातचीत करी यूएस में आने वाली या होने वाली इन्फ्लेशन के बारे में तो देवीना जी का कहना था कि अभी तक वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई है और हो सकता है आने वाले समय में फेड जो है और भी कुछ रेट्स को बढ़ा सकता है। देवीना मैम के हिसाब से हमें अपने पोर्टफोलियो को जो है वो ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इससे हमारा रिस्क जो है वो कम होता है। और देवीना मैम का ये भी कहना है कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो आपस में बहुत कम कोरिलेटेड हैं, तो इसलिए जब आप ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो अच्छा डाइवर्सिफाइड रहेगा और आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। जब हमने उनसे पूछा कि वो कौन से सेक्टर्स को लेके बुलिश है तो उनका कहना था कि कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीन एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेके वो अभी काफी बुलिश है। उनका ये भी कहना था कि इसमें बहुत सारे गेन्स जो है वो हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये सेक्टर आगे बढ़ सकता है। एक खास बात जो हमने इस एपिसोड में सीखी वो ये थी कि इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। अब आप सोच रहे होंगे कि लूजर्स गेम कह के हम लोग ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो सुनिए, आप लोगों ने बस स्टुपिडिटी से जो है वो दूर रहना है, आप लोगों ने किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी, आपने अपने रिस्क को जो है वो कम करने की कोशिश करनी है, आप अपने आप ही इन्वेस्टिंग का गेम जीत जाएंगे। राइट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मार्केट की बात के और बहुत सारे और एपिसोड देखने के लिए आई बटन को चेकआउट कीजिएगा और स्पॉटिफाई पे भी आप हमारे इन एपिसोड्स को सुन सकते हैं। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.